कर्म जो अंधा धुंध बनकर के अन्याय से, अत्याचार से, बुरे भाव से, राग से, द्वेष से, चाहे धन दौलत, चाहे कोई दूसरे कर्म, इनको उपार्जन करता है, ये बिना नाम जाप के, बिना सत्संग के, ये धोखा देने वाली है। मानव इसमें खिंचता चला जाता है, इसमें इस कदर खिंच जाता है, अंत में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अंधाधुंध वह लगा रहता है। सत्संग में यह निरूपण किया जाता है, हे साधक, बार बार चिताया जाता है, तू अनुचित क्षेत्र में ना विचर, तू लोभ में ना, तू इस माया के जंजाल में, ये माया का जाल बिना राम नाम के, बिना सत्संग के धोखा देने वाला है। तुझे अपने चुंगल में जकड़ने वाला है। अब मानव जैसे कर्म करता है फल उसी के अनुसार, यह निश्चित सिद्धांत है। कैसे? गुरु महाराज ने उदाहरण दिया। यह कर्म कैसे हैं? कर्म एक उदाहरण सिनेमा की फिल्म का दिया गुरु महाराज ने। जो रूप, जो रंग, जो आकृति सिनेमा की उस फिल्म में अंकित कर दी जाएगी, रिकॉर्ड कर ली जाएगी, समय पाकर वह ज्यों की त्यों दिखाई देगी। जैसी रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी, अब वह रिकॉर्डिंग पूर्ण रूप से वैसी की वैसी रहेगी। अगर अग्नि का वह दृश्य उसमें फिल्माया गया है, वही अग्नि जब उसको चलाया जाएगा, वह अग्नि ही दिखाई देगी। अब उससे कहा जाए कि इससे जल के वह झरने दिखाई दे, वह नहीं दिखाई देंगे। जैसा अंकित कर दिया जाएगा वह कर्म, वैसा ही फल देगा, वैसा ही मानव को दिखाई देगा। जो अपने कर्म, अगर शुभ कर्म है, सुकृत कर्म है, नाम का जाप है, तो उसका परिणाम सुख है। दान दिया हुआ है, परंतु दान में अनुचित ढंग से कमाया हुआ वह रुपया पैसा, उसमें से कुछ दान करके मानव कहे अब मेरा वह सुकृत हो गया, मेरा अच्छा कर्म हो गया, यह नहीं होता है। अत्याचार, पाप में इनसे बचना होता है। सत्संग ये सिखाता है, सत्संग ये सिखाता है, हे मानव, तू बुरे कर्मों की ओर पीठ कर ले, तू अपने गुरुमुख हो जा, मनमुखी ना रह, कि जो तेरा मन करेगा वह मैं करूंगा। जो मन के अनुसार चलते हैं उनको दुख और कष्ट अवश्य होंगे। जो गुरुमुखी होंगे, गुरु और पिता सदैव बालक को एक ही संदेश देते हैं, बुरे कामों से बचना, अनुचित कार्य ना करना। अब जब वह सुकृत कर्म करके पुण्य के कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, सेवा पर हित परोपकार करता है, तब वह दान पुण्य फलीभूत होते हैं, तब वह फलीभूत होते हैं, अन्यथा अपने आप को धोखा है। नाम जाप, तब गुरु महाराज ने कहा, जैसे सिनेमा के फिल्म में जो रूप, जो रंग, जो आकार प्रकार, जो हाव भाव, जो दृश्य, जो स्वर, जो गीत, जो वाणी वचन और जो नाद वादन भरा गया हो, अंकित किया जा चुका हो, समय पर वही यथा तथ्य अभिव्यक्त हो जाता है, सम्मुख आ जाता है, यही कर्म है। प्रत्येक कर्म करता
कर्म करने में स्वतंत्र है। प्रत्येक कर्मकर्ता कर्म करने में स्वतंत्र है। इसका प्रमाण यही है कि करना अथवा ना करना यह प्रत्येक मानव स्वयं अपना निर्णय लेता है। एक व्यक्ति कहता है मैंने अनुचित ढंग से रुपया पैसा नहीं कमाना है, मैंने अनुचित ढंग से रुपया पैसा संग्रह नहीं करना है, यह कष्ट तकलीफ देने का कारण बन जाएगा। वह निर्णय स्वयं करता है और एक अंधाधुंध होके निर्णय कर लेता है कि मुझे तो ये एकत्रित ही करना है। अगर वह महापुरुषों की शरण में नहीं है, वह अंधाधुंध हो बन अन्यायी करे पाप की बहुत कमाई फल बेला पछतावे। ऐसे ये सत्संग का लाभ, ये महापुरुषों की संगति का लाभ, क्योंकि कर्म किसी की प्रेरणा से भी होते हैं। जब महापुरुष प्रेरणा देते हैं ये कार्य नहीं करना है तो मानव तुरंत अपना पांव पीछे कर लेता है, अनुचित विषय में वह नहीं विचरता। यह अंतःकरण बीज बोने का खेत है। अब यथा आक ढाक बो करके उनसे अब जो बीज बोया है आक का और ढाक का, वह बीज बो दिया। अब जब फल सम्मुख आएगा वह आक और ढाक के रूप में ही आएगा। अब भगवान से प्रार्थना करें इस पौधे से मुझे आम दे दो, मुझे अंगूर दे दो, मेरे से गलती हो गई, वह तो फल सम्मुख होगा ही। वह फल निश्चित सिद्धांत के अनुसार है, इसमें भगवान का दोष क्या है? इसमें उस देववादि देव की कोई भी गलती नहीं है। हे मानव, तू अपना वैसा कर्म ही ना कर जिससे तुझे दुख और कष्ट तकलीफ हो। यथा आक ढाक बोकर आम चाहना अंगूर चाहना व्यर्थ है, नीम लगाकर उनसे अंगूरों की आशा करना यह दुराशा है। ऐसे ही अशुभ कर्म करके, पाप के बीज बो करके, सुख के स्वर्ग के स्वादुतम फलों की कामना करना कृपण कल्पना है। मानव सुखों के लिए धन को उपार्जन करता है, सुखों के लिए, यह धोखा देने वाली है। यह धन, यह दौलत, यह मानव को अपने जंजाल में इस कदर जकड़ लेती है, मानव इससे बाहर नहीं निकलता, इसी को अपनी दुनिया मान लेता है। जाग जाग जन बावरे, तभी गुरु महाराज ने कहा हे पागल इंसान तू जाग जा, इनमें सुख कदापि नहीं है, ये धोखा देने वाले हैं। अनुचित कार्य से किया कर्म निश्चित रूप से तुझे हानि देगा, ये सत्संग में बता दिया जाता है, ये महापुरुषों की शरण में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मन बुद्धि चित, यह अंतःकरण मन बुद्धि और चित सत्संग में महापुरुष की शरण में यह चलायमान नहीं होता। जब मानव अपने सुकृत कर्म से, सत्संग से, सद्भावों से, प्रेम और भक्ति से अपने जीवन को उत्तम बना लेता है और फिर शुभ कर्म करता है, तब उसका वह शुभ कर्म, वह बीज बोया हुआ बहुत ही बढ़िया खेती लेके आता है, बड़े ही सुख। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, तू सुख चाहता है भूला हुआ
अनुचित ढंग से धन दौलत उपार्जन करने में लग गया कि इससे सुख होगा, ना आज तक इससे कभी सुख हुआ है ना होगा। ये डंके की चोट से ऐसे सुख का क्या लाभ जो सुबह हुआ और सायंकाल वह कष्ट देने का कारण बन गया, ऐसे सुख का क्या लाभ। तब महापुरुषों ने कहा, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, सब सुख दाता राम है दूसर नाहन कोय। अब राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई, ये जो सत्संग महापुरुष की शरण स्थाई रूप से सुख देने वाले हैं, स्थाई रूप से ये स्थाई रूप से सुख देते हैं। माया क्षण भर के लिए सुख देकर वह कष्ट तकलीफ बाधा विघ्न में परिवर्तन हो जाता है उसका, यह निश्चित सिद्धांत है, यह टाले नहीं टलता, यह किसी के भी टालने पर नहीं टलेगा। हां यह अवश्य है, जब मानव राम नाम की शरण में आ जाता है वह तपश वह कम अवश्य हो जाती है। जैसे कड़ी धूप में ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों में एक पत्थर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं उस पर, वह तप रहा है, हाथ नहीं लगता, परंतु उसी एक पत्थर